अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर। इस कंपटीशन के जमाने में अच्छे एजुकेशन के साथ साथ जरूरी है अच्छी स्किल। द राइट वे इंस्टीट्यूट आपके लिए लेकर आए हैं हाईली डिमांड प्रोफेशनल कोर्सेज, सेफ्टी इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन नर्सिंग कोर्सेज जैसे MLT, DMLT, BFarm, DFarm और ऐसे कई स्किल कोर्सेज, वो भी अफोर्डेबल फीस में। और खास वेयरहाउस एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कोर्स पूरी तरह से फ्री है विद जॉब गारंटी। तो आज ही विजिट कीजिए द राइट वे इंस्टीट्यूट, सेकेंड फ्लोर साई बाबा मार्केट, अपोजिट बाबू भाई बूट हाउस, नियर नजराना टॉकीज, भिवंडी। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों जोरों पर है। हर पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने में जुटी है। वही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के विद्यार्थी सेना अध्यक्ष और राज ठाकरे के सुपुत्र अमित ठाकरे ने आज किया भिवंडी का दौरा। अमित ठाकरे अपने महासंपर्क अभियान के तहत पूरे महाराष्ट्र के दौरे पर है। आज वो भिवंडी, बड़खा, शाहपुर और मुरबाड़ का दौरा करेंगे। वहीं भिवंडी के MNS मुख्यालय में अमित ठाकरे ने अपने कार्यकर्ताओं को भेंट दी। अमित ठाकरे के सत्कार स्वागत के बाद उन्होंने सभी स्टूडेंट से मुलाकात की और मनसे को भिवंडी शहर में मजबूत करने पर भी चर्चा की। अमित ठाकरे ने तो प्रेस से बात नहीं की, लेकिन मनसे के भिवंडी शहर अध्यक्ष मनोज गुलवी ने हमारे चैनल से बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। क्या कहेंगे आज इस तरह से अमित ठाकरे का आगमन हुआ था भिवंडी में, तो वो किस संदर्भ में आए थे और क्या क्या सोचा? पूरे महाराष्ट्र में सन्माननीय अमित जी ठाकरे साहब का महासंपर्क अभियान दौरा चालू है, जिसमें आज ठाणे जिला के भिवंडी शहर में और भिवंडी के मध्यवर्ती कार्यालय में अमित साहब जी आए, एक अच्छा मैसेज दे रहे कि आज का दौरा जो है, खास करके विद्यार्थी जो है, जो कई विद्यार्थी ऐसे जिनका राजकारण से कोई संबंध नहीं है, लेकिन बहुत सारे स्कूलों में विद्यार्थी सेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने जो काम किया है उससे खुश होके बहुत सारे स्कूलों ने एक हमको रिक्वेस्ट की थी कि जो सन्माननीय अमित जी ठाकरे, उनकी एक मुलाकात होनी चाहिए, भेंट होनी चाहिए। तो इस हेतु पूरे कॉलेज के या भिवंडी के सब विद्यार्थी आए और सन्माननीय अमित जी ठाकरे ने उनसे मुलाकात की, चर्चा की, फोटोग्राफी की और अभी सब बच्चे खुश होके विद्यार्थी इधर से गए। आने वाले भिवंडी चुनाव में क्या मनसे जो है अपना ये रखेगी, अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएगी? 100% एक अच्छा माहौल भिवंडी में बनते जा रहा है और एक अच्छा माहौल बना है और चर्चा जो भिवंडी शहर में है, आज तक मनसे का कोई नगर सेवक महानगर पालिका में नहीं है, लेकिन आज के डेट में, तारीख में भिवंडी में 5 जनसंपर्क कार्यालय और एक मध्यवर्ती कार्यालय जो उभर हुआ है, इससे बहुत सारे अलग अलग पक्ष के कार्यकर्ता भी, माजी नगर सेवक भी हमसे जुड़ना चाह रहे हैं। अच्छा वातावरण। जी जी जी।